परिवार समेत फंसे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश से व्यापार करने के लिए आए हुए थे और देश में लॉकडाउन के चलते घर नहीं जा सके और अब इन व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गई है। आपको बता दें कि व्यापारी किराए के मकान में परिवार समेत रहते हैं जो रोज व्यापार कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। लॉकडाउन से व्यापार भी बंद हो गया और इससे अब इन व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और बच्चे पैसे भी खत्म हो चले हैं। अब तो स्थिति ये हो चली है कि एक वक्त का खाना भी इनको नहीं मिल पा रहा है। दो तीन दिन बाद भूखे सोने जैसी स्थिति इनके सामने खड़ी हो गई है। तीन महीना हो गया, अब खाने के लिए पैसा नहीं है, परेशानी है। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे सोते हैं। भाई कितने लोग हैं आपके साथ? हम लोग पांच लोग हैं। पांच का परिवार भी साथ? हाँ, परिवार भी साथ है। बच्चे भी हैं क्या? बच्चे भी हैं। अब ये मजबूरी है, बस नहीं चल रही है, ऐसे मारे घर नहीं जा पा रहे, नहीं तो मजबूरी के मारे। मैं नसीर खान बोल रहा हूँ, घर मालिक। हमारे यहाँ जनवरी से ये फंसे हुए हैं, यूपी के हैं, और उनके साथ समस्या ये है कि अपने घर जा नहीं सके। अब यहाँ फंसे हुए, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, रोज आना जाना, मतलब काम करने वाले आदमी कोई जुगाड़ नहीं खाने। एक और जहाँ सरकारी अफसर कोरोना के